हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा भी चुकी हूं, उसका कोर्स भी कम्प्लीट हो गया है, तो वो जो सेशंस है वो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो अब हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व एनिमिक्यूल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर एनिमिक्यूल्स को। तो एनिमिक्यूल्स जो टर्म दी है वो ही दी है एंटनी वैन लीवेनहुक ने, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज एंटनी वैन लीवेनहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर, इसमें से कौन सी जो सेल है वो क्या है या माइक्रोब है वो क्या है, ए सेलुलर है। तो ए सेलुलर जो होते हैं आपके वायरस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की जो सब फील्ड नहीं है वो है बॉटनी। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट डेवलप ए हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप दैट अनेबल हिम टू डिस्कवर एंड रिकॉर्ड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किस साइंटिस्ट ने हाई रिजोल्यूशन के माइक्रोब्स को डेवलप किया था। तो माइक्रोस्कोप जो डेवलप किए हैं हाई रिजोल्यूशन के, वो डेवलप किए हैं एंटनी वैन लीवेनहुक ने। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर दैट फर्मेंटेशन वॉज ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल चेंज फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ एंड यूज द बेंट ग्लास फ्लास्क एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ग्रोथ इन द फर्मेंट वॉज नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड। कहीं पे भी फर्मेंटेशन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसका जो आंसर है वो रहेगा आपका लुईस पाश्चर का। और इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था और बेंट ग्लास फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो वो किया था लुईस पाश्चर ने, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे जो बेंट ग्लास फ्लास्क का मतलब क्या है, जो स्वान नेक फ्लास्क यूज़ किया था लुईस पाश्चर ने, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर सेल वॉज, यानी कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट कोच ने सेल को डिस्कवर किया था, सॉरी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो है इसका आंसर है, सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया है वो किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हु डिसप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने डिसप्रूव किया है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को फाइनली जो डिसप्रूव किया है वो किया है लुईस पाश्चर ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज, यानी कि किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या थी। तो इस पे जो मेनली जो काम किया है, जो जिन्होंने प्रूफ किया है इसको, वो है रॉबर्ट कोच, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु डेवलप वैक्सीन फॉर रेबीज, यानी कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने डेवलप की थी वैक्सीन रेबीज के लिए, तो रेबीज के लिए वैक्सीनेशन किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिकल वो किसने बताई है, वो बताई थी जेम्स वॉटसन एंड फ्रेंस क्रिक ने। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो मॉडल दिया है वो किसने दिया है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रेंसिस क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवेंट दैट ट्रिगर द डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज ए साइंस इज दी, यानी कि जो डेवलपमेंटल से रिलेटेड जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये इवेंट किस क्यों पॉसिबल हो पाया, क्यों स्टेब्लिश हो पाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स के जो डेवलपमेंट था वो ना स्टार्ट हो गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया वॉज नॉट डिस्कवर बाय रॉबर्ट कोच, यानी कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग बैक्टीरिया जो है वो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर नहीं किया था। तो रॉबर्ट कोच ने विब्रियो कोलेरा के ऊपर काम नहीं किया है, विब्रियो कोलेरा के ऊपर काम किया है लुईस पाश्चर ने। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ एजोटोबैक्टर एज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो साइंटिस्ट है बेजरिंक, मार्टिनस विलियम बेजरिंक, इन्होंने ही एजोटोबैक्टर के ऊपर काम किया है और इन्होंने ही बताया था कि जो एजोटोबैक्टर है वो एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं सरगई वीनो ग्रेट्सकी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट इन ए स्पेशली डिजाइन बॉक्स टू प्रूव डस्ट कैरिड द जर्म्स, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने स्पेशली डिज़ाइन बॉक्स को बनाया था प्रूफ करने के लिए कि डस्ट जो है वो कैरी करती है जर्म्स को। तो इसके ऊपर जो काम किया है वो किया है जॉन टिंडल ने। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ट्राई टू डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पासिंग एयर थ्रू सॉलिड एसिड सॉल्यूशन इनटू बॉइल्ड इन्फ्यूजन, यानी कि किस साइंटिस्ट ने ट्राई किया था डिसप्रूव करने के लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, जिसमें जो एयर है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से पास की गई थी। तो इसके ऊपर जो काम किया है एयर को पास करने के लिए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में, वो काम किया है थियोडार सैक्वॉन एंड स्कूल्स ने। सो दी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ट्राई टू डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बाय स्वानेक फ्लास्क, यानी कि स्वानेक फ्लास्क का यूज़ करके किसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसप्रूव किया, तो वो किया था लुइस पाश्चर ने। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ट्राई टू डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बाय पासिंग एयर थ्रू कॉटन इनटू फ्लास्क कंटेनिंग हीटेड ब्रोथ, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने ट्राई किया था डिसप्रूव करने का स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, एयर को कॉटन यानी कि एयर को पास कराया कॉटन से। ठीक है, तो कॉटन से रिलेटेड जब भी कोई भी आपसे पूछे या कॉटन प्लग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो उसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज सैक्वो एंड टी वॉन डस्क ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, All of the following scientists supported the idea of spontaneous generation of animal except, यानी कि सभी ने accept किया है spontaneous generation theory, all of the following scientists support the idea of spontaneous generation, यानी कि इसमें से किस scientist ने support किया है accept, यानी कि इसमें अगर हम simply इस question का सार निकालो तो इसमें पूछा गया आपसे कि spontaneous generation theory को किसने support नहीं किया है, कौन उसका supporter नहीं था। तो spontaneous generation theory की शुरुआत आपको पता ही होगा फ्रांसिस्को रेडी ने करी थी। तो फ्रांसिस्को रेडी जो थे वो बहुत बड़े supporter नहीं थे spontaneous generation theory के, बल्कि एरिस्टोटल, जॉन निदाम, आर्किमिडी, ये सभी क्या हैं, सपोर्टर हैं किसके, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रांसिस्को रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एक्सेप्ट, यानी कि सभी को नोबेल प्राइज दिया गया है लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में एक को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है, उनका नाम है एंटनी वैन लीवनहुक। एंटनी वैन लीवनहुक को कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन, यानी कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर की है फर्मेंटेशन। मैंने पहले भी बताया इस जो पिछले क्वेश्चंस हैं, फर्मेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डिस्कवर किया था, लुइस पाश्चर ने। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम इज ए, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक तरह की फंगस है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई गई है। नेक्स्ट है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो है वो किसने दी थी, तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन दी थी वो दी थी एडवर्ड जेनर ने। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था, वो भी किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट मैश करेक्टली विद द एप्रोप्रिएट आइसोलेशन मीडिया, यानी कि इसमें से जो मीडियाज दिए गए हैं वो कौन सा सही नहीं है।
तो फंजाई के लिए हम क्या करते हैं, पीडीए और सबोर्ट सगार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है नेजेरिया गोनोरिया, जो है पिंक कलर की कॉलोनीज देता है, बिल्कुल गलत है। नेजेरिया गोनोरिया जो है वो पिंक कलर की कॉलोनीज नहीं देता है मीडिया के ऊपर। नेक्स्ट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हम चॉकलेट अगार का यूज़ करते हैं, यस बिल्कुल सही है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम जिनसन अगार मीडिया यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। सो इसमें सही नहीं क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी नेजेरिया गोनोरिया, जो कि पिंक कलर की कॉलोनीज नहीं देता है मीडिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हु एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई द एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, यानी कि किसने एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई किया था एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो वो एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव सेल हैव मोर पेप्टिडोग्लाइकिन, बिल्कुल सही है। ग्राम पॉजिटिव सेल हैव एंडोटॉक्सिन, नहीं, ग्राम पॉजिटिव सेल जो सिक्रेट करती है वो है एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन जो सिक्रेट करते हैं वो है आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इसका जो आंसर है वो क्या है, बी है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है विच आर दी माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज फंजाई, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम फंजाई की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच मेड मैनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टडी द माइक्रोबायोलॉजी, वन डिस्कवरी दैट्स वॉट इम्पोर्टेंट इन अलाउिंग अस टू स्टडी माइक्रोबॉज, यानी कि रॉबर्ट कोच का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है स्टडी करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी को, लेकिन इनमें से जो एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी जिसकी वजह से माइक्रोब्स की स्टडी कर पा रहे हैं वो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है हीज यूज ऑफ अगार एज ए बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम, कि इन्होंने अगार को यूज़ किया बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम के लिए, यही वो डिस्कवरी है जिसकी वजह से आज हम माइक्रोब्स को स्टडी कर पा रहे हैं, हम लैब के अंदर माइक्रोब्स को कल्चर कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च कर पा रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वो ऑप्शन चूज करने हैं जो कि आपको आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एंटनी वैन लीवनहुक, इनका काम किस पे था, माइक्रोस्कोप पे, ठीक है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोस्कोप का जो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो किसकी वजह से रहा है, एंटनी वैन लीवनहुक पे, ठीक है। तो एंटनी वैन लीवनहुक का ऑप्शन नंबर ए जो है फिक्स हो गया। फिर है स्वान नेक फ्लास्क, किसने दिया था भाई ये जो स्वान नेक फ्लास्क को यूज़ किया था वो क्या था, लुईस पाश्चर ने, ये दो ऑप्शंस भी आपके सही हो गए। फिर है हीटिंग एट इंटरवल टू किल बैक्टीरिया, यानी कि इंटरवल पे हीटिंग करना बैक्टीरिया की, ये किसने किया था, लेजारो स्प्लांजी ने, ठीक है। सो आपका लेजारो स्प्लांजी भी फिक्स हो गया। अब अगर आपको जॉन टिंडल के बारे में नहीं भी पता है, ठीक है, फ्रांसिस्को रेडी तो आपने पढ़ा है, फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया है, डिकेइंग मीट इन ओपन गोंज कवर्ड और सील्ड जार, यानी कि तीन तरह के जार लिए थे जिसमें इन्होंने एक को खुला रखा था, एक को जालीदार कपड़े से ढक दिया था और एक को पूरी तरह से सील कर दिया था, ठीक है, जिसके द्वारा इन्होंने डिसप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। अब आते हैं जॉन टिंडल पे, जॉन टिंडल के लिए ऑप्शन कौन सा बचा है, डी बॉइल्ड ब्रोथ इन एयर टाइट फ्लास्क। एयर टाइट फ्लास्क का मतलब क्या है, इन्होंने एक एसेप्टिक बॉक्स बनाया था, ठीक है, जैसे हमारा लेमिनार एयर फ्लो है इसी तरह का एक एसेप्टिक बॉक्स बनाया था और उसके अंदर अपना जो मीडिया है वो रखा था, और उसमें इन्होंने डिसप्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो डिसप्रूव की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एयर क्या है, एक सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, अगर हम एयर को साफ करके दे किसी भी मीडिया को तो उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी है जॉन टिंडल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन निदाम एक्सपेरिमेंट ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर मोस्ट लाइकली फ्लोट बिकॉज, यानी कि जो जॉन निदाम का एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लोट का क्यों था, क्योंकि इन्होंने यूज़ नहीं की थी हीट टू किल दी माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स को किल करने के लिए इन्होंने क्या यूज़ नहीं की थी, सफिशेंट हीट यूज़ नहीं की थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरी वन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।